हरे कृष्णा। हम सभी सुनते रहते हैं कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, लेकिन सच कहें तो सकारात्मक और आशावादी बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि जो आशावादी और सकारात्मक बन गया, वो जीवन की हर परिस्थिति को आसानी से ढाल सकता है और एक अच्छा नेता या अफसर बन सकता है, एक अच्छा परिवार का सदस्य भी बन सकता है। और सकारात्मक वो लोग हैं जो हर चीज को नैरो माइंड, संकीर्णता से ना देखकर बाज की दृष्टि से ऊपर से देखें और उसमें क्या अच्छा है वो ढूंढें और फिर उस अच्छाई को हवा देकर उसे उत्साहित कर उसे बड़ा करें। क्योंकि जब अच्छाई बड़ी होती है तो बुराई अपने आप छोटी हो जाती है। जैसे आधे ग्लास को आधा भरा हुआ बोलना एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। मक्खी जहां घाव होता है, जहां गंदगी होती है, वहां जाकर बैठती है, लेकिन मधुमक्खी जहां रस मिले, जहां पराग हो, जहां फूल हो, जहां खुशबू हो, वहां जाती है। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। कोई केवल अच्छाइयां ही देखता है और दूसरा केवल बुराइयां। नकारात्मकता वाले हर चीज में बुराइयां ढूंढकर मन को उदास कर ही लेते हैं, ये उनकी खूबी होती है। हमारे गांव में बीमार होने पर अक्सर लोग जब मिलने जाते हैं तो वो बीमारी ठीक करने नहीं जाते, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं होते, बल्कि ज्यादा खर्च ही करवा लेते हैं। तो कोई कह सकता है कि क्यों जा रहे हैं, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? और पहले मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा गहराई से इसे सोचा तो ये अद्भुत लगा, क्योंकि उससे सकारात्मकता आती है, सहारा मिलता है, ढांढस बनता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मानसिक रूप से मजबूत होने पर व्यक्ति जल्दी ही ठीक होने लगता है। इसलिए हमें जीवन में खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए सकारात्मक लोगों का संग करना चाहिए। और इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे एक प्रकार का इंसान केवल अच्छाइयां देखता है, भले ही सामने वाले में कोई अच्छाई हो ही ना, जैसे युधिष्ठिर महाराज। अब दूसरे प्रकार का इंसान केवल अच्छाइयां ढूंढता है और बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है। वो सामने वाले में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही देखता है, उसे दोनों ही दिखती हैं। इसलिए यदि मित्र बनाना चाहिए तो पहले दो प्रकार के व्यक्तियों को, जिससे हम सदैव सकारात्मक और उत्साह से भरे रहें, क्योंकि उत्साह बड़ा बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं, उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। अब तीसरे प्रकार का इंसान अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को देखता है और अच्छाइयों पर खुश होता है और बुराइयों पर दुखी हो जाता है, बुराइयों से दूरी बनाकर रखता है। और चौथे प्रकार का इंसान थोड़ा खतरनाक होता है। ये भयंकर निराशावादी और नकारात्मक होते हैं। इनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए खुद के मानसिक संतोष के लिए, क्योंकि वो हजारों अच्छाइयों में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढकर उसे फैलाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, चाहे सामने वाले में कोई बुराई हो ही नहीं, जैसे दुर्योधन, चाहे अहंकारवश, अज्ञानवश या लालचवश। और इस प्रकार वे अपने साथ साथ दूसरों के भी पतन का कारण बनते हैं। इसलिए जो विपत्तियों में फंसाए, उनसे सदैव ही दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार उपरोक्त चार प्रकार के लोगों में से पहले दो प्रकार का संग करना ही श्रेष्ठ होगा। वह यदि हर क्षण सकारात्मक आनंद व प्रेम से पूरित रहना चाहते हैं तो उसके लिए संग करें उनका, जो सकारात्मकता के स्रोत हैं, परम आनंद की खान है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। और उनके संग करने का सबसे सरल साधन है उनके दिव्य व पवित्र नामों का जप, जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।